लास्ट वन इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कंसिडर किया गया है। इसमें बोला जा रहा है दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क्स एक्सेट्रा। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। तो जैसे कि हमने देखा अभी, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स से मिलजुल करके काम करते हैं और दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स। जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो किसको इंस्ट्रक्शन पास करते हैं? वर्कर्स को। और जो भी इसकी रिपोर्टिंग होती है वो किसको करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। तो लोअर लेवल मैनेजर्स जो है वो वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भी पूरी उनकी जिम्मेदारी होती है। फंक्शंस क्या है? सबसे पहला, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जाकर के बताएगा। यहाँ हम बोल सकते हैं द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स का मतलब उनके वर्कर्स। सो दे आर द राइट पर्सन्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेज ऑफ सबॉर्डिनेट्स। दे पास दीज प्रॉब्लम्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है टॉप लेवल और मिडिल लेवल को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। वर्कर्स के साथ कौन काम करता है मिलजुल करके? उनके पास वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अगर वर्कर्स को कोई इंस्ट्रक्शन देना है या कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवियंसेस है, तो ये काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का। सेकंड पॉइंट इज मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन द सुपीरियर सबॉर्डिनेट। तो यहां पे कहा गया है द सुपरवाइजरी मैनेजर्स provide good working conditions and create a supportive work environment which improve the relation between the supervisors and subordinates। तो यहाँ पे supervisors या superiors और subordinates के बीच में एक अच्छा relationship स्थापित करने में lower level management का एक major role है। Third one is looking to safety of workers। ये काम भी supervisory level का है कि supervisory level managers provide safe and secure work environment to workers। इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी workers हैं उनको safe वर्किंग एनवायरमेंट, सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 इज हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट फॉर रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स। अब कैसे वर्कफोर्स की जरूरत है ये मिडिल लेवल को कौन क्लियरली डिफाइन करता है? लोअर लेवल मैनेजर्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजर्स को मालूम है कि एग्जैक्टली कैसे वर्कफोर्स की जरूरत है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स गाइड एंड हेल्प द मिडिल लेवल मैनेजर्स व्हेन दे सेलेक्ट एंड अपॉइंट द एम्प्लॉइज। पॉइंट नंबर 5 इज कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स एंड वेलकमिंग देयर सजेशंस। तो सजेशंस के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। टॉप लेवल मैनेजर्स को तो कभी समझ में नहीं आता या पता नहीं चल पाता कि वर्कर्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये हमेशा लोअर लेवल मैनेजर्स को समझ में आता है। लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? वो मिडिल लेवल को बताते हैं, मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं कि कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स एंड वेलकमिंग देयर सजेशंस, कि अगर वर्कर्स कोई सजेशंस बता रहे हैं तो उसका वेलकम करना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स एनकरेजेस द वर्कर टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करना, टू टेक इनिशिएटिव। दे वेलकम देयर सजेशंस एंड रिवॉर्ड देम फॉर गुड सजेशंस। वो वेलकम करते हैं सजेशंस को, और अगर किसी का सजेशन बहुत अच्छा है तो उसको रिवॉर्ड भी देते हैं। ये काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का। सिक्स पॉइंट इज दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टेडी फ्लो ऑफ आउटपुट। अब इसमें ये कहा जाता है कि द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स मेक श्योर दैट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन बाय द वर्कर्स। तो ये स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक करने का जो काम होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है, कि जो भी काम किया जा रहा है, जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, कुछ भी चीज प्रोड्यूस किया जा रहा है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। और लास्ट पॉइंट कहा जा रहा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम। तो मोटिवेट करना, टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर को, वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम लोअर लेवल मैनेजर्स का है। इसमें कह सकते हैं कि दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट देयर मोरल, उनके अंदर एक टीम स्पिरिट आए और मिलजुल करके वो लोग काम करें। तो ये थे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और तीनों के अलग अलग फंक्शंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।